तो व्हाट्सअप का है अभिषेक रंजन और आप देख रहे हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास है सुजुकी एक्सेस BS6। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर गाड़ी के हेडलैम्प्स की, तो यहां पर आपको थोड़ा सा क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि ऊपर एक्सेसरीज में इसको लगाया गया है। और यहां पर पहले से जो है हेडलैम्प बदल दिया है, पहले जो है नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प आता था। आपको थ्रॉटल देखने को मिलेगा, सब कुछ बहुत टाइट टाइट देखने को मिल रहा है। ब्रेक थोड़ी सी टाइट है, ये थोड़ा सा टाइट है, इस गाड़ी का RPM थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। खैर आप गाड़ी की हालत से देख के बता सकते हैं गाड़ी थोड़ी सी चली हुई है शायद इस वजह से, लेकिन है यहाँ पर BS6। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, सामने का मडगार्ड आपको बॉडी कलर का देखने को मिल रहा है। फ्रंट टायर आपको इस तरीके से अलॉय देखने को मिल जाएगा, सेम अलॉय जो है बर्गमैन में भी आते हैं। यहाँ पर आपको जो है 90x90 12 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर कंबाइंड ब्रेकिंग आपको देखने को मिल जाएगी, डिस्क और ड्रम दोनों में यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड ब्रेकिंग की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर माउंट किए गए हैं बॉडी में और यहाँ पर नीचे काफ़ी दूर तक जाते हैं। इस तरीके से इन सब चीज़ों का कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बट ये काफ़ी नीचे तक जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर यहाँ पर सुजुकी की बैजिंग है और नॉर्मल एनालॉग है। थोड़ा सा चाबी घुमाकर ग्लो कर लेते हैं तो बेटर से पता चल जाएगा। यहाँ पर बाकी कुछ चीज़ें हैं, टर्न इंडिकेटर, कंप्रेसर, इन सब के इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सर्विस वार्निंग लाइट भी देखने को मिल जाती है। ये नई चीज़ आई है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो है लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, ये जो है चेंज भी होती हैं गाड़ी चलाते वक्त। यहाँ पर नीचे आपको जो है बैटरी वोल्टेज मीटर देखने को मिल जाएगा और फ्यूल गोच यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ओडोमीटर के साथ में। बाकी यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है स्टार्ट करने के लिए आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है, ब्रेक दबा के करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। थ्रॉटल जैसे कि मैंने बताया काफ़ी हार्ड है। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर या फिर आपको इस तरीके से पॉकेट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर लाइट के साथ में, और USB डायरेक्ट मिलता है। बर्गमैन में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है। इसका एक और अपडेट आ चुका है मार्केट में जिसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह भी देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारे पास ये है, उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से इग्निशन देखने को मिल जाएगा, वही पुराना हुक आपको एक यहाँ पर मिलता है और एक यहाँ पर मिलता है, डुअल हुक है। सामने का बोर्ड भी काफ़ी बड़ा है, गाड़ी थोड़ी गंदी है, माइंड मत कीजिएगा। फुटपैक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, मफलर गार्ड आपको क्रोम में पूरा देखने को मिल रहा है, एग्जॉस्ट यहाँ पर है। रियर टायर की बात करेंगे तो आपको 90x100 इंच का पीछे टायर देखने को मिल जाएगा। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मडगार्ड देखने को मिल रहा है, रियर नंबर प्लेट, यहाँ पर आपको टेल लैंप देखने को मिल जाएगा, उसी के साइड में यहाँ पर आपको बल्ब में प्रोवाइड कराए गए हैं। पहले जो है फ्यूल लिट अंदर आती थी सीट के अंदर, अभी जो है बाहर कर दी गई है और क्रोम प्लेटेड भी है ऊपर से। 5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, बाकी सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाड़ी के डायमेंशंस और बूट स्पेस की बात करेंगे तो वो पहले जितना ही है, 773 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है एक्सेस की बैजिंग कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर इंजन है, इंजन आप यहाँ पर देख सकते हैं 125 cc का इंजन। BS4 आता था पहले, काफ़ी अच्छा माना जाता था, अभी इसी को BS6 कर दिया गया है और ये प्रोड्यूस करता है 8.7 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क। गाड़ी देख ली है, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बहुत ही क्विक रिव्यू यहाँ पर रखेंगे छोटा सा। अभी जो है मैं गाड़ी थोड़ी सी चलाकर आता हूँ और बताता हूँ आपको गाड़ी चलने में कैसी है। अब बात करेंगे गाड़ी चलने में कैसी है तो मैं यहाँ पर बताऊँगा, ब्रेक्स जो है वो अच्छी हैं और थोड़ा सा फसफस के चल रही है। खैर इसमें जो है आपको कंबाइंड ब्रेकिंग देखने को मिल जाएगा तो ठीक तरीके से काम करी, उसके बाद में फ्रंट में आपको डिस्क भी देखने को मिल रही है। गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है, बाकी इंजन के RPM को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है जिस वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का अगर थ्रॉटल भी छोड़ दोगे तो भी गाड़ी लगभग 3 की स्पीड में चलती रहती है। लाइट्स वगैरह रात में चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए क्योंकि अब आपको LED भी देखने को मिल रही हैं। बाकी बस इतना सी थी गाड़ी चलने में, पहले जैसी ही है, बल्कि मेरे को BS4 इंजन काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अगर बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की तो आपने नियर बाय शोरूम पर जाकर पता कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, उस पर सेंगे क्लिक करना है, उसके बगल में आएगी एक छोटी सी बेल आइकन, उस पर टन करके दबा दिए मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन प्रेस हो जाएगा, वहीं से आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आगे किस तरीके के वीडियोज़ चाहिए नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फॉरगेट सॉरो, बी हैप्पी, पीस।